जनपद सीतापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि रामपुर मथुरा सीतापुर के थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरखपुर बिहार से ला करके लड़कियों की तस्करी करने में माहिर है हीरा लाल यादव, जो कि निवासी ग्राम चांदपुर लोधौनी चंदपुरवा का बताया जा रहा है। वहीं जीता जागता सबूत देखने को मिला है कि सोहन लाल यादव पुत्र बनवाली लाल यादव ने 40,000 रुपए सोहन लाल यादव के घर पर ही हीरा लाल यादव को ले लिया था। उसके बाद बनवारी लाल यादव को गोरखपुर तथा बिहार एक हफ्ते तक टहलाता रहा। उसके बाद मैं ना उसकी शादी कराई और ना ही उसके पैसे वापस किए। ऐसा ही नहीं, हीरा लाल यादव के कई मामले प्रकाश में आए हैं, लेकिन गोरखपुर तथा बिहार से ला करके लड़कियों को विभिन्न जगहों पर तस्करी करने का काम करता है। हीरा लाल यादव से परेशान होकर सोहन लाल ने अपने नजदीकी थाना रामपुर मथुरा में हीरा लाल यादव के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। अब देखना यह है कि रामपुर मथुरा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ऊंचा के द्वारा हीरा लाल यादव पर क्या कार्रवाई की जाती है। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए गौतम सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, गौतम सिंह चौहान, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव न्यूज चैनल। इस समय रामपुर मथुरा क्षेत्र के थाना क्षेत्र की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जनपद सीतापुर से। यहां भी होती है लड़कियों की तस्करी। युवक का आरोप है कि कुछ दबंग लोग जैसे कि हीरा लाल यादव निवासी ग्राम चंदपुरवा मजरे चांदपुर लोधौनी का रहने वाला है और जाति का यादव है, और ग्रामीण का आरोप है कि कई प्रकरण ऐसे सामने आ चुके हैं जहां से ये गोरखपुर तथा बिहार से लड़कियों की तस्करी करता है, वहां से लड़कियां लाता है और यहां विभिन्न विभिन्न जगहों पे उनकी तस्करी करता है और लोगों को बेवकूफ बना करके पैसा कोटी रकम ऐंठता है। एक युवक हमारे सामने आ चुके हैं और उनका कहना है, आरोप है कि हीरा लाल यादव ने हमसे शाम को अपने घर में बुला करके 40,000 रुपए ले लिए और बोले कि सुबह आ जाना और तुम्हारी शादी करवाने हम गोरखपुर या बिहार चलेंगे। जब सुबह युवक उनके घर पहुंचा एक हफ्ते या 10 दिन उनको घुमाया टहलाया गया कायदे से। उसके बाद में उनसे बताया गया कि ना ही तुम्हारा पैसा वापस होगा और ना ही तुम्हारी शादी होगी। आइए बात करते हैं हम पीड़ित पक्ष से, आइए आपसे बात करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आपका गांव कौन सा है? बजेरा। आपकी समस्या क्या है? कौन ले गया? शाम को कहाँ बुलाया ये तुमको? शाम को अच्छा अच्छा पैसा वापस नहीं दिया। ये पैसा तुमसे कहाँ पे लिया था? पैसा आपने घर पर दिया था। अच्छा, अपने घर पे बुला के आपको शाम को पैसा दे दिया? अब जब पैसा आप दोबारा वापस मांगने गए तब आपने क्या कहा? अच्छा, मारने पे भी हम आता हो गए। कितने रुपए लिए? 40,000 रुपए।